हे एवरीवन, सो ये वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे जो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का स्विच आता है नॉर्मली सारी गाड़ियों में, आजकल आ ही रहा है, इसका क्या काम है, इसको कब यूज करना है और इसे प्रेस करके आप क्या क्या फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसे अगर आप एक टाइम प्रेस करेंगे जैसा मैंने अभी किया तो आप देख सकते हैं TRC ऑफ आ गया MID पे। इसी स्विच को अगर मैं अभी 3 सेकेंड तक लॉन्ग प्रेस करूंगा तो जैसे ही मैं इसे 3 सेकेंड तक प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर पे 180 किलोमीटर की स्पीड के बाजू में एक लाइट आ गई येलो कलर की जो ऑफ करके लिखा है। सो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये स्विच है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एक सेफ्टी फीचर है जो हमेशा ऑन रहता है। अब ये जो स्विच दिया हुआ है यहाँ पे, ये ऑफ करने के लिए दिया है तो सेफ्टी फीचर तो ऑफ करना चाहिए नहीं, तो ये ऑफ करने का स्विच क्यों दिया है मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली VSC या व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, जब भी व्हीकल साइड वे में स्किड होता है, साइड वे में बहुत से लोग अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर बोलते हैं बट अगर सिंपल में मैं बोलूँ तो साइड में स्किड हो जाएगा गाड़ी, तो जब भी गाड़ी साइड वेज में स्किड होगा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्शन में आता है और आपकी गाड़ी को स्किड होने साइड वेज होने देता नहीं है, भले वो राइट साइड स्किड हो या लेफ्ट साइड में स्किड हो। तो ये क्या काम करता है जिससे गाड़ी स्किड नहीं होती, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल गाड़ी के स्टीयरिंग एंगल को सेंस करता है कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग कितना इनपुट दिया है। अगर ड्राइवर का इनपुट और व्हीकल का जो मूवमेंट उसने गेज किया था, जज किया था, वो मैच नहीं हो रहा है तो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्शन में आ जाता है और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्शन में आने के बाद इंजन आउटपुट को कम कर देता है और जो भी व्हील स्किड कर रही है अप्रोप्रिएटली वो व्हील में ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो बेसिकली ये दोनों चीज से क्या हुआ, इंजन आउटपुट स्लो हो गया और ब्रेक अप्लाई होने से ये हो गया कि गाड़ी आपका स्लो होके कंट्रोल हो जाता है। अब आप इमेजिन करिए, ये एक आपकी ऑफ रोड व्हीकल है या आपकी नॉर्मल गाड़ी भी जिसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है वो कोई कीचड़ या स्लश में है, वो सिनेरियो में गाड़ी तो स्किड थोड़ा बहुत होता ही है साइडवेज। तो अगर स्लश में गाड़ी है वो टाइम पे आपको चाहिए बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा पावर और ट्रैक्शन। अगर VSC साइडवेज स्किड को सेंस कर लेगा और गाड़ी स्किड होके ब्रेक अप्लाई कर लेगा या इंजन के आउटपुट को कम कर लेगा सिस्टम, तो गाड़ी कीचड़ में से निकलेगा नहीं। तो सिर्फ वो ही सिनेरियो में जहां पे कीचड़ वगैरह में आपको गाड़ी निकालना है आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ करना है, और एल्स हमेशा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ही रहता है। मान लीजिए आपने ऑफ करके भूल गए, अब जब भी गाड़ी ऑन करेंगे स्विच ऑफ करके ऑटोमेटिकली व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वापिस से ऑन हो जाता है। सो ये थी बात व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की जो मैं कर चुका हूं, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 180 के बाजू में। अब जो TRC है ये मैं बता देता हूँ। TRC बेसिकली जब फ्री स्पिन होता है व्हील स्लिपरी सरफेस पे उसे मिनिमाइज करता है ब्रेक लगा के, और वो जो फ्री स्पिन होने वाली व्हील है उसमें वो ब्रेक लग के धीरे धीरे अच्छा ग्रिप लेके वो हर्डल को, वो सिचुएशन को क्लियर कर देता है। अब TRC नॉर्मली ऑन रखी है जस्ट इन केस आपको पता है आपका रूट जो है वहां पे कोई भी स्लिपरी सरफेस नहीं है, तो वो केस में आप ये स्विच को एक बार प्रेस करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। होप ये वीडियो आपको क्लियर है, मैं स्विच आपको वापस से दिखा देता हूँ। अभी मैं सिस्टम को ऑन कर लिया वापस से, ठीक है, आप देख सकते हैं 180 के स्पीड के बाजू में से व्हीकल स्टेबिलिटी ऑफ का भी स्विच आइकन हट गया और MID से भी जो ट्रैक्शन ऑफ का आइकन था वो भी हट गया। तो ये स्विच को आप वापस देख लीजिए, एक बार प्रेस आपका TRC ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, ये स्विच अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड तक तो वो सिनेरियो में आपका व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको क्लियर है, कुछ डाउट्स रहेगा कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।